सुनार देखते ही बनता है महारानी, नगर में आनंद ही आनंद है। आज आप दरबार में पधारेंगी ये सुनकर नगर में दोहरा त्योहार मनाया जा रहा है। मुझे भी आज खुशी हो रही है लक्ष्मी। बस हमारी उदा देवी ही मुंह बिचका बिचका कर ताने ठोने मार रही है, हमें देखकर न जाने वो क्यों। देवी, महाराणा सभा मंडप में पधार रहे हैं। लो मैं भी तैयार हूँ, बस आती ही हूँ। तम, महारानी अभी तक नहीं आई। महारानी हुए चाहे साक्षात इंद्राणी क्यों न हुए, औरत औरती रहेगी। गहने कपड़े बनाओ चुनाव में देर होती ही है। Thank you.
कारण मेरा मान गया, मेरी मर्यादा गई, मेरे कुल का गौरव नष्ट हुआ। मेवाड़ का महाराणा किसी को मुंह दिखाने काबिल भी न रहा। महाराणा बात क्या है? आज के दिन दरबार में आने का वचन देकर भी तुम नहीं आई और पूछती हो बात क्या है? क्षमा करें महाराणा, दरबार के लिए मैं चली तो थी, पर रास्ते में कान्हा की बंसी सुनाई दी। कान्हा की बंसी? कान्हा कान्हा की रख दिन रात लगानी थी तो तुमने मेरे साथ विवाह ही क्यों किया? अपने कान्हा से शादी भी कर लेती। आपका कहना सच है, बचपन में ही मैंने तो कृष्ण से ही ब्याह कर लिया था। अरे पापिन, अब तू अपना असली रूप दिखा रही है। जिस दिन तूने इस सत्यानाशी मूर्ति को साथ लेकर मेरे महलों में कदम रखा। कान्हा प्रभु, मेवाड़ का इतिहास कलंकित हुआ। सरदारों के ताने ठोने कानों से नहीं सुने जाते। वचन दिया कि दरबार में आऊंगी, चली गई मंदिर में। कैसा पत्थर का दिल है। वीर राजपूतों के देश की जो दुर्दशा हुई है उसे सोचकर मेरा खून खौल उठता है। एक वो समय था जब मेवाड़ का नाम लेते ही बड़े बड़े राजाओं की हिम्मत पर गाज गिर पड़ती थी, उनके दिल दहल उठते थे, और उसी मेवाड़ की आज दूसरे राजे महाराजे हंसी उड़ाया करते हैं। रणभेरी के तुमुल घोष से जिस मेवाड़ की दसों दिशाएं गूंजती थीं, आज वहीं डफली और चंग सुनाई देती है। बरछी ढाल और तलवारों की चकाचौंध और खटाक खटाक की ध्वनि से गूंजने वाली वीर भूमि आज भजनों की लोरियों से सो रही है। जिसे देखो उसके हाथों में छांझ है, पैर में घुंघरू। अब नहीं सुने जाते। मेवाड़ की महारानी का साधु भिखारियों के साथ नाश्ते गाते हुए घूमना, देश विदेश में दिल्ली तक में बदनामी हो रही है। दिल्ली के बादशाह के दरबार में भी मेवाड़ महारानी की चर्चा होती है। मेवाड़ को देखकर सारी दुनिया हंसती है भैया, मेवाड़ को देखकर सारी दुनिया हंसती है भैया। बंद करो ये शिकायतें। लो मैं शिकार को जाता हूँ, जो जी चाहे करो। इसे लेकर तुम जाओ। लो विक्रम, मुझको ना जाने क्या हो रहा है, कलेजा धड़धड़। ये तेरी कायरता है उदा। मीरा के मृत्यु से ही मेवाड़ की रक्षा होगी, भैया सुखी हो सकेंगे। भय मत करो, भगवान पर ही भार डाल दो, प्रसाद कहकर दे देना। लो ले जाओ। प्रभु, मैं जब बच्ची थी तब तो तुम मुझे ढूंढते हुए आए थे। मधुर सुर में तुमने मुझे प्यार से पुकारा था, अमृत गीतों के जाल में बांध लिया, और बोलते भी नहीं। ऐसी भला क्या जीत गई आपकी? क्या तुम्हारा मन मुझसे फिर गया है? इस गरीब के ऊपर इतना क्रोध क्यों? मेरे स्वामी, मैं मूर्खा अनजान, वेद शास्त्र नहीं पढ़ी, तीर्थ यात्रा को नहीं गई, संतों का संग नहीं किया, मुझे उपदेश भी नहीं मिला। बस एक तुम्हारा नाम लेना जानती हूँ, तुम्हारी महिमा के गीत गा लेती हूँ, मुझे अनाथा को निभाह लेना। आओ ना, आज तुम भी मंदिर में आई, इतनी रात गई, क्या आश्चर्य है। आधी रात में गिरिधारी के एकांत दर्शन करने के लिए आई। हाँ 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 मीरा, मैं भी कुछ दिनों से पूजा करने लगी हूँ,
लो भगवान का प्रसाद भी लाई हूँ। कहाँ लाओ प्रसाद दो। प्रभो तुमने प्रेम से मेरी बहन को भी अपनी दासी बना लिया। कान्हा तुम्हारी करुणा अपार है, तुम्हारा प्रेम अद्भुत। नंदगोकुल की गोपियों को मोहने वाले मायावी होना मेरे गिरिधारी। द्वारकानाथ, ये कैसी परीक्षा? आपका शुभ्र रूप काला क्यों पड़ गया? मंदिर के किवाड़ बंद क्यों हो गए? कैसा विचार, किसने अपराध किया? हाय मैं महापापिन हूँ, मैंने तुम्हें छल से जहर दे दिया। मेरे गिरिधारी मेरी रक्षा करेंगे। नाग के सिर पर नाचने वाले भक्तवत्सल मुझे भी बचाएंगे। तुम सच कह रही हो मीरा, जहर कुछ असर नहीं करेगा। वो देखो ना, मेरे कन्हाई के मुखारविंद पर कैसी मुस्कुराहट खिल रही है। कान्हा, मेरे करुणा सागर, मुझे बचाने के लिए आप विष पी गए। पग घुंघरू रे, पग घुंघरू रे, पग घुंघरू बांधो मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांधो मीरा नाची रे। मैं तो अपने नारायण के, मैं तो अपने नारायण के हो गई आप ही दासी रे। पग घुंघरू रे, पग घुंघरू रे। विष का प्याला राणा जी ने भेजा, विष का प्याला राणा जी ने भेजा, विष का प्याला राणा जी ने भेजा। पीवत मेरा हाँसी रे, पीवत मेरा हाँसी रे, पग घुंघरू रे, पग घुंघरू रे। लोग कहे मेरा भैर बावरी, लोग कहे मेरा भैर बावरी। प्रभु गिरिधर नागर सहज मिले अविनाशी रे, सहज मिले अविनाशी रे। पग घुंघरू रे, पग घुंघरू रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा रे। पग घुंघरू रे, पग घुंघरू रे। अब तो गली कूचों में जहां जाओ मीरा प्रभु गिरदारी, मीरा प्रभु गिरदारी की तान है। चित्तौड़ आज मीरा का दीवाना हो रहा है। उदा देवी भी अब तो बैठ गईं। जादूगनी मीरा के पास जरूरी कोई माया विद्या है। एक योजना जयमल, आज हम भेष बदलकर उस गिरधारी के मंदिर में चलेंगे। मीरा माता के पास ऐसी कौन सी जादू विद्या है, देखे तो सही। अच्छा ख्याल है, यही ठीक है। मीरा देवी अभी तक नहीं आई,
जरा सब्र करो मान सिंह। दिल्ली कहाँ, चित्तौड़ कहाँ, तुम्हारी बातों में आकर हम इतनी दूर आए। मीरा देवी के स्वर्गीय संगीत को सुनने के लिए दिल्ली से आना क्या कोई बड़ी बात है? स्वर्ग से देवता तक आएंगे। हाँ, बादशाह की दी हुई मोती माला। चुप रहो, सब कुछ है। सुंदर निरूपम अंतर होत उदासी मानत नहीं मन धीर जमोहल तरपत निसदिन दासी सावरिया मोहनिया नागरी सावरिया मोहनिया नागरिया मेरो पिया प्रभु आवो 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 जी प्रभु आवो 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 के पवित्र गीतों की महिमा सारे देश में फैली हुई है। आपकी गान विद्या के लिए भेंट की तौर पर ये मोतियों की माला हमारे गुरुदेव ने भक्ति पूर्वक भेजी है, कृपा करके इसे स्वीकार कीजिए। साधु जनों, वे भक्त शिरोमणि कौन है, क्या यह मैं जान सकती हूँ? माता, आपके मधुर भजनों को सुनने के लिए एक दिन वे खुद आएंगे। आहा, इस मोती माला से मुरलीधर के मोती जैसे दांतों की याद आती है। इसे मैं गिरिधारी को ही अर्पण करती हूँ। देखा, इन मोती माला भेंट चढ़ाने वाले साधुओं को जरूर इसमें कोई भेद है। ये लोग साधु नहीं, निश्चय वेशधारी। आओ पता लगाएं। अरे उठाई गिरो, ठहरो,
तुम कौन हो भाई? मीरा माता के नगर में जन्म लेकर यूं उजड़ की तरह बोलते हो? ये बहाने रहने दीजिए, आप लोग कहाँ से आए ये कहिए। हम साधु लोग, सारी दुनिया हमारा घर है। ओहो, आप लोग साधु हैं क्या? परम साधु जन। मुंह में दांत है ये भी नहीं जानते बेचारे। हाँ, ये मोती की माला कहाँ से चुराई? चोरों की तरह क्या ताकते हो? नगर नगर में घूमने वाले साधुओं को मोती माला कहाँ से मिली? हमारे मालिक ने हमें दी। साधुओं के भी मालिक होते हैं ये चोरों का गुरु घंटाल। ए, हाथ जाते हो। चित्तौड़ से अपने प्राणों को लेकर न लौटोगे? नहीं लौटेंगे। जयमल पकड़ो, मत छो, मारो। ये बात है, इस पर बादशाह की मुहर है। मेवाड़ का मान भंग पूरा हो गया। दिल्ली का शाह मोतीमाला पुरस्कार में दे और मेवाड़ की महारानी उसे भक्त श्रद्धा के साथ स्वीकार करे, कैसा अपमान है ये! अत्याचार, ये अनाचार आपके बनवाए हुए उसी मंदिर में हो रहा है, और वो भी सब लोगों के सामने प्रकट रूप से। वो मंदिर नहीं, पतितों के षड्यंत्र की जगह है, मेरे जन्म शत्रु का स्थल है। विक्रम, जयमल, यूं खड़े क्यों हो? तोड़ दो सत्यानाशी पवित्र मंदिर को, तोड़ से उड़ाकर चूर चूर कर। हमने सुनी हरि अधम उदारन, हमने सुनी हरि अधम उदारन, अधम उदारन सब जग तारन, अधम उदारन सब जग तारन, हमने सुनी हरि अधम उदारन। गज की गरज गरज उठी धायो, संकट पड़े तो कष्ट निवारण, द्रुपद सुता को चीर बढ़ायो, द्रुपद सुता को चीर बढ़ायो, दुशासन को मान मद मारन, हमने सुनी हरि अधम उदारन, अधम उदारन सब जग तारन, हमने सुनी हरि अधम उदारन, हमने सुनी हरि अधम उदारन। प्रह्लाद की प्रतिज्ञा राखी, हरना कुश नख उदर विदारन, मीरा के प्रभु मोबंदी परि, मीरा के प्रभु मोबंदी परि, बेरी भये किन कारण, हमने सुनी हरि अधम उदारन, अधम उदारन सब जग तारन, हमने सुनी हरि अधम उदारन, हमने सुनी हरि अधम उदारन। महाराज की आज्ञा से आया हूँ, यह मंदिर तोड़ा जाएगा। क्या क्या आज्ञा है? मंदिर को तोप से उड़ा देने का हुक्म है। कौन? महाराणा का हुक्म? जिन्होंने इस मंदिर को बनवाया वे ही तोड़ने का हुक्म देंगे? हाँ देवी, इसी क्षण तोड़ने की आज्ञा है। फौरन ही आप लोग बाहर चले जाएं, सब लोग बाहर चले जाएं। कान्हा, ये तुम्हारी क्या लीला है? दासी की ये परीक्षा है क्या? साधु जनों, दीन मीरा के लिए तो मंदिर के सिवा
दूसरा घर ही नहीं। आप सब दया करके बाहर चले जाइए। हम यहीं रहेंगे माँ, नहीं जाएंगे, नहीं रहेंगे, नहीं जाएंगे। नहीं जाओगे तो बस सीधे यमलोक ही पहुंचोगे। कृष्णा हमारी रक्षा करेंगे। कृष्ण मक्खन खा सकते हैं, तुम्हें बचा नहीं सकते। युवराना, मेरे प्रभु के बारे में क्या कहा? मक्खन मिश्री खाने वाले मुरलीधर श्री कृष्ण ने ही कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों के छक्के छुड़ाकर ब्रह्मांड को कपाने वाला शंखनाद किया था, यह न भूलना। साधुजनों, कंस और शिशुपाल के संहार करने वाले भक्तवत्सल परमधाम हमारी भी रक्षा करेंगे। यदु नंदन के शुभ नाम का जप करें। जयमल, वे लोग नहीं आएंगे, उनकी रक्षा भगवान करेंगे। भगवान को उनकी रक्षा करने दो। सूर सिंह, तोप में पलीता लगाओ। ये अधर्म है महाराणा, ये अधर्म है। बड़ी बदनामी होगी, मेवाड़ को सदा के लिए कलंक लग जाएगा। दुर्बुद्धिमानों के कहने से आप ये महापाप कर रहे हैं। आपका जन्म शत्रु आपका छोटा भाई है विक्रम, तो काला नाग है जयमल भी राक्षस है। महारानी के ऊपर जो कलंक लगा है वो झूठ है। जयमल, हमारी बातों के कानों में नहीं पड़ेगी, अपना काम करो। भैया भैया, बंद कर दो ये महापाप, बंद कर दो ये बदनामी, तुरंत ही आज्ञा को रद्द कर दो। भैया सच मानो, मीरा महादेवी है। उदा, तुम भी अब मीरा की तरफ से बोलती हो? मीरा के लिए बुरा सोचना हमारी भूल थी भैया, आप नहीं थे तब मीरा को जहर देकर मारना चाहता। क्या जहर? विक्रम के कहने से मुझ पापनी ने इन्हीं हाथों से जहर दिया था। जहर मीरा का कुछ नहीं बिगाड़ सका, भगवान ने उसकी रक्षा की। उदा देवी का कहना सच है, महारानी साधारण स्त्री नहीं, देव जन्मा है। स्त्री हत्या का दोष न करे, पत्नी को मारने का पाप न करे। जाओ भैया जाओ जाओ। कौन? महाराणा है, आप लौट आए। स्वामी, मंदिर को तोड़ने की आज्ञा क्या आपने ही दी थी? ये क्या, आप मौन क्यों हैं? एक दिन ऐसे ही चांदनी रात में प्रसन्न होकर आपने कहा था, कृष्ण का मंदिर बनवाऊंगा, चित्तौड़ को वृंदावन बना दूंगा, और आज उसी मंदिर को तोड़ने की आज्ञा क्या आपने ही दी थी महाराणा? प्रभु गिरिधारी, तुम्हारे मन की मैं जान गई, मेरी आंखें खुल गईं। लो मैं आई मेरे स्वामी। महाराणा क्षमा कीजिए, मैंने भूल की, आपके समान वीर राजपूत नरेश की पत्नी मैं नहीं हो सकती। महलों में रहकर राजसुख भोगना मेरे लिए नहीं है। 56 पकवानों का भोजन और बहुमूल्य गहने कपड़ों से सजकर राज्य सिंहासन पर बैठने के लिए मैं नहीं जन्मी। महाराणा
तोप के इस भयंकर नाद में मैंने अपने प्रभु की आज्ञा सुनी। मेरे स्वामी मुझे बुला रहे हैं। मैं जाती हूँ स्वामी, मैं जाती हूँ। दीन ग्वालों की कुटिया में पले हुए दीन बंधु को खोजने जाती हूँ। जंगलों में गवे चराते हुए गोपाल को खोजने जाती हूँ। परम धाम पवित्रपुरी वृंदावन को जाती हूँ। प्रभु या सुवर्ण